बिल्कुल व्यूअर, आज हम लोग एक और नई वीडियो में मौजूद है आपके साथ, फेमस इसाक बन कबाब। फेमस इसाक बन कबाब जो कि इस वक्त पाकिस्तान चौक के करीब मौजूद है, फुल एड्रेस आपको पूछेंगे भी और बताएंगे भी। ये इतना फेमस है माशाल्लाह, आप रश देख सकते हैं कि कहां से लाइन स्टार्ट हुई भी है और कितना रश है, और बिना रुके वो लोग बेचारे जो इस वक्त बन कबाब पे खड़े हुए बना रहे, बिना रुके उनका हाथ चल रहा है, फुल लाइन लगी हुई है यहाँ पे। चेक करते हैं कितनी लंबी लाइन मौजूद है, ये लाइन अभी थोड़ी कम हुई है वरना ये लाइन आगे तक लगी हुई थी जिसकी वजह से पूरा रोड डिस्टर्ब हुआ हुआ था, इतना रश होता है माशाल्लाह यहाँ पे। आए जरा आपको दिखाएं किस तरह बन कबाब बन रहे हैं और कितना रश लग रहा है, फोकस कीजिएगा। लगातार बिना रुके बन कट रहे हैं यहाँ पे, लगातार बिना रुके बन कटे जा रहे हैं माशाल्लाह। तवे पे दो अंडे की लहर आएगी एक, उसके बाद कबाब जलते हुए चलेंगे, आपको पूरा इंटरव्यू भी दिखाएंगे, बात करवाएंगे किस तरह बन कबाब बन रहा है। यार इसको फोकस करें माशाल्लाह भाई, हाथ से ही उठा के डाल रहे हैं गरम गरम ऑयल के अंदर, चेक करें जरा। दो तवे लगे हुए टोटल, एक आगे भी तवा है, दूसरा भी तवा, दूसरा तवा कवर कीजिए। यहाँ पे सिस्टम है बन कबाब बन कबाब बन रहे हैं, वहाँ पे बन कबाब की कटिंग हो रही है, यहाँ पे जो है वो खुद फिनिश दिया जा रहा है बन कबाब को। यहाँ पे भाई हमारे पैक कर रहे हैं इस बन कबाब को, चेक करें यहाँ पे फुल फिनिश चल रहा है। ये भाई हमारे लगातार बन के ऊपर प्याज, ये कबाब जल रहा है, वाह क्या चटनी है, वाह मजेदार चटनी के साथ कबाब का तड़का। और आपको एंड में जब इस बन कबाब के प्राइस पता लगेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इस वीआईपी बन कबाब के प्राइस क्या है। और इसके अलावा हम आपको खुद खा के भी इसका फीडबैक देंगे, बाकी हमारे जो भाई लोग लाइन पे खड़े हुए थे लंबी लाइन पे, उनसे भी फीडबैक लेंगे कि बन कबाब का किस तरह का है, क्या टेस्ट है। ठीक है भाई माशाल्लाह लगातार पैक कर रहे हैं बिना रुके, आज चल रहा है इनका, चेक करें जरा। हम पूछेंगे कि इनका मैजिक मसाला क्या है, मैजिक चटनी क्या है, किस तरह होता है, क्या टाइमिंग है, जरा भाई से बात करते हैं। अस्सलाम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? बख्ती खान। बख्ती खान साहब मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये इतना प्यारा और मजेदार बन कबाब कितने का है? सिर्फ सिर्फ 50 रुपए का। सिर्फ 50 रुपए कीमत है इसकी? जी सर, सिर्फ 50 रुपए कबाब कीमत है। अच्छा मुझे बताएं कि ये किस जगह लोकेशन पे अगर कोई आना चाहे? भाई हमारा मेन ब्रांच है कारागर में, ये हमारी दूसरी ब्रांच है पाकिस्तान चौक में, एक तीसरी ब्रांच है दिहाड़ी में। अच्छा तीन ब्रांचेज है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि ये सुबह की टाइमिंग क्या है और शाम की टाइमिंग क्या है? 12:30 से लेकर रात को 10 बजे तक। रात को 10 बजे तक। और छुट्टी किस दिन होती है? इतवार वाला दिन बंद होता है। इतवार वाले दिन। और ये आपकी जो सबसे पुरानी ब्रांच है वो कौन सी है? वो लियारी वाली है। लियारी वाली है। तो माशाल्लाह इतना रश होता है इसका क्या मतलब, इसकी सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स क्या है कि आपके ऐसे क्या होता है कि जो जैसा रश है माशाल्लाह इतना लाइन है? प्यार मिलाता है। अच्छा प्यार मिलाता है। तो इसके अलावा हमने ये दिया है कि किस तरह इन्होंने बताया कि कितनी ब्रांचेज हैं, तीन ब्रांचेज हैं इनकी। इस वक्त हम खड़े हैं मेन पाकिस्तान चौक वाली ब्रांच में, बाकी आप खुद भी हम टेस्ट करेंगे माशाल्लाह इस बन कबाब का। और इसके अलावा ये बताया चटनी में क्या क्या मिलाते हैं आप लोग? चटनी में प्यार मिलाते हैं। प्यार मिलाते हैं बस, सीक्रेट इंग्रीडियंट है प्यार इनका, और कुछ नहीं है। ठीक है आगे चलते हैं, खुद से टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं अपना फीडबैक। ये आ गए हमारे घर में गरम बन कबाब। अब आ गया हमारा घर
पास गया हूँ बन कबाब। अच्छा, इसमें दो खासियत है कि आप बन कबाब और कबाब अलग करके भी मंगवा सकते हो और बन कबाब के साथ भी मिला सकते हो। पहले तो हमें इतना रश थे, बड़ी मुश्किल होती है, जगह मिल गए। अब आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा लगा। ये लगाया चटनी का तड़का, ये आई प्याज, इसके बाद पचास रुपए में इससे अच्छा टेस्ट नहीं मिल सकता आपको। बेहतरीन टेस्ट है, मजा आ गया। हमने बन कबाब तो टेस्ट कर लिया है और हमें तो बहुत मजे का लगा। जरा अंदर किसी से फीडबैक लेते हैं, अगर वो दे। साउंड को भेजें, कैसे आप कैसे हैं, कैसा बन कबाब लगा आपको? अलहमदुल्ला बहुत अच्छा है, प्राइस के मामले भी, लेकिन भाई का फीडबैक है आला है, चीज़ तो बढ़िया है। वीडियो के एंड की तरफ इसाक बन कबाब याद रखिएगा, पाकिस्तान चौक। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले कॉन्टेंट में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। डेली लाइव इन कराची, अल्लाह हाफिज़।